अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट के एक्ट वन सीन वन की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जी हाँ 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोज भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्ले का टाइटल है अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, यानी एक छोटे सैयारे की सैर। अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है जिसे अमेरिकन राइटर गोर विडाल ने 1957 में प्रोड्यूस किया। फिक्शन ऐसी स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल या पीस ऑफ लिटरेचर को कहते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और इसको राइटर अपनी इमेजिनेशन या सोच से तख्लीक करता है। अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट की स्टोरी क्रीटोन नामी एक एलियन यानी किसी दूसरे प्लैनेट से जमीन पर आने वाले एक ऐसे पुरेसरार शख्स के गिर्द घूम है जो जमीन और उसके लोगों में बेहद दिलचस्पी रखता है और 1861 में अमेरिका में होने वाली सिविल वॉर देखने के लिए जमीन पर आना चाहता है, लेकिन नेविगेशनल एरर की वजह से वो तकरीबन एक सदी बाद जमीन पर पहुंचता है। अमेरिका की सरजमीन पर एक अजीबोगरीब जहाज नुमा चीज को उतरते देख कर हर कोई खौफजदा हो जाता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स क्रीटोन के एलियन होने और उसके किसी दूसरे सैयारे से जमीन पर आने की बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि 1950s तक दुनिया के किसी भी इंसान के लिए स्पेस ट्रेवल पॉसिबल नहीं था और इंसानों के लिए जमीन से बाहर किसी दूसरे सैयारे पे कदम रखना महज एक ख्वाब ही था। लिहाजा सब लोग क्रीटोन को किसी दुश्मन मुल्क का जासूस और अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल डेंजर यानी मुमकिन खतरा समझते हैं। अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट एक सटायरिकल प्ले भी है जिसमें राइटर 1950s के लोगों के साइंटिफिक एटीट्यूड और स्पेस ट्रेवल को इम्पॉसिबल समझने का मजाक उड़ाता है। गोर विडाल उस दौर के जर्नलिस्ट और मीडिया के मैनिपुलेटिव बिहेवियर यानी मुनाफिकत या डुअल नेचर को पोर्ट्रे करने के साथ साथ अमेरिकन की मटेरियलिस्टिक थिंकिंग यानी मालो दौलत की प्रेफरेंस को भी हाईलाइट करता है। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बात जानना निहायत जरूरी है कि कराची बोर्ड की टेक्स्ट बुक में शामिल ये प्ले ऑल्टर यानी ओरिजिनल प्ले में कुछ तब्दीलियां करके पेश किया गया है। न सिर्फ ओरिजिनल प्ले के कुछ पार्ट्स कट किए गए हैं बल्कि कुछ करेक्टर्स और प्लेसेस के नाम भी चेंज है। ओरिजिनल टेक्स्ट में प्ले की सेटिंग यानी शहर या जगह का नाम मेनासास वर्जीनिया बताया गया है और हमारी बुक में प्ले के इंट्रोडक्शन में भी यही नाम दर्ज है, लेकिन आगे चलकर जब हम टेक्स्ट रीड करते हैं तो प्ले की सेटिंग मैरीलैंड बताई गई है जो कि एक बिल्कुल ही अलग स्टेट है। उम्मीद है कि बुक के न्यू एडिशन में ये चीजें करेक्ट कर दी जाएंगी। अब अगर बात की जाए कैरेक्टर्स की तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्ले का मेन कैरेक्टर क्रीटोन नामी एक एलियन है जो कि एक बहुत दूर दराज और एडवांस प्लैनेट से स्पेस ट्रेवल करता हुआ जमीन पर घूमने आया है। क्रीटोन 1860 के दौर की ड्रेसिंग में मलबूस तकरीबन 40 साल का एक गुड लुकिंग शख्स है जिसमें इमोर्टल होने के साथ साथ लोगों के माइंड रीडिंग यानी ख्यालात को जान लेने की सुपर नेचुरल स्किल भी मौजूद है। प्ले के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रॉजर स्पेल्डिंग है। रॉजर स्पेल्डिंग गूंजदार आवाज के एक मिडिल एज न्यूज एंकर जो कि अपने घर से वीकली न्यूज शो होस्ट करते हैं। इसके बाद आती है एलन स्पेल्डिंग। एलन एक 20 साला जिंदा दिल नौजवान लड़की है और रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी है। मिसेस स्पेल्डिंग रॉजर की वाइफ और एलन की मदर है। फिर आते हैं जॉन रैंडॉल्फ। जॉन एक नर्म मिजाज यंग फार्मर है जो कि स्पेल्डिंग की बेटी एलन का बॉयफ्रेंड या लवर है। प्ले के एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जनरल पावर्स है। इनका पूरा नाम जनरल टॉम पावर्स है जो कि एक ताकतवर आर्मी कमांडर है। जनरल पावर्स को अमेरिका की हाई कमांड की जानिब से मिस्टर स्पेल्डिंग के घर लैंड करने वाले स्पेस एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइन किया गया है। हमारे लास्ट करेक्टर हैं कैप्टन एड जो कि जनरल पावर्स के असिस्टेंट हैं और हमारे प्ले के एक माइनर करेक्टर हैं। ये तो था करेक्टर्स और प्ले का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। सीन वन। The room is comfortably balanced between the expensively decorated and homely. Scene 1 का स्टार्ट एक आरामदेह कमरे से होता है जिसमें कीमती और घरेलू सामान की चीजें सलीके से सजी हुई हैं। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी एंकर रॉजर स्पेल्डिंग अपनी ब्रॉडकास्ट की एंडिंग कर रहे हैं। ही इज मिडिल एज एंग्जियस एंड रेजोनेंट। वो एक दरमियानी उम्र के शख्स हैं जिनका लहजा खुशामदी और आवाज गूंजदार है। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेक निट्स पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स एट स्पेल्डिंग अपनी डेस्क से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जबकि उनकी वाइफ ख्यालों में उलझी और बेजार बैठी कोई चीज बुन रही है। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट। वहां दो टेक्नीशियंस भी मौजूद हैं जो कि कैमरा इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। हिज डॉटर एलन अ लाइवली गर्ल ऑफ 20 फिजिट्स एट सी लिसन। और स्पेल्डिंग की बेटी एलन जिसकी उम्र 20 साल है उनकी ब्रॉडकास्ट सुनते हुए बेजारी से हाथ पांव हिला रही है। स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन।
स्पेल्डिंग टीवी प्रोग्राम के दौरान माइक पर कहते हैं, एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स हु शुड नो इफ एनीवन डज, लिहाजा जनरल पावर्स के मुताबिक जो कि उस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा बेहतर मालूमात रखते हैं, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट व्हिच हैज गिवन राइज टू मच इररिस्पॉन्सिबल कॉन्जेक्चर, और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसके बारे में अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, इज नथिंग मोर देन अ मीटियोर पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट, वो जमीन के ऑर्बिट से गुजरता एक मीटियोर यानी किसी टूटते तारे के सिवा और कुछ नहीं है। इट इज नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, और ना ही जैसा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये हमारे मुल्क का कोई खुफिया हथियार है, नॉर इट इज अ स्पेसशिप एज सर्टेन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, और ना ही ये कोई स्पेसशिप है जैसा कि कुछ पागल लोग ये दावा भी कर रहे हैं। जनरल पावर्स हैज अशोर्ड मी, जनरल पावर्स ने मुझे ये यकीन दिलाया है, दैट इज हाईली डाउटफुल देयर इज एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप, क्या हमारे यानी जमीन के अलावा किसी भी दूसरे सैयारे की कोई और मखलूक इस काबिल है ही नहीं कि वो कोई स्पेसशिप यानी खला में सफर करने वाला जहाज बना सके। इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट, और अगर कभी खला में सफर करना मुमकिन हुआ भी तो वो सबसे पहले हम इंसान ही करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड व्हिच विंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज, और ये तो थे जनरल पावर्स के अल्फाज, और इसके साथ ही हम इस हफ्ते की खबरों का इख्तिताम करते हैं। प्रोसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, और फिर उसके बाद मिस्टर स्पेलिंग अपनी वाइफ और डॉटर की तरफ पोज चेंज करते हुए कहते हैं, दिस इज रॉजर स्पेलिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका फ्रॉम माय ओल्ड होम स्टेट इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड एंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, और मैं हूँ रॉजर स्पेलिंग जो कि अमेरिका में रहने वाले तमाम खवातीन हजरात को जो कि हमारे दिलों की धड़कन से भी करीब रहते हैं मैरीलैंड सिल्वर ग्लेन में वाकई अपने आबाई घर से खुदा हाफिज कहता हूँ। टेक्निशियन कहते हैं, गुड शो टू नाइट मिस्टर स्पेलिंग, आज का शो बहुत अच्छा हुआ मिस्टर स्पेलिंग, स्पेलिंग कहते हैं थैंक यू। टेक्निशियन कहते हैं, यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, यस सर आज टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। स्पेलिंग नॉट्स वेरीली हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टीनेस सडनली गॉन, स्पेलिंग थके हुए अंदाज में सर हिलाते हैं और इनके चेहरे पे सजी हुई मैकेनिकल यानी आर्टिफिशियल स्माइल अचानक से खत्म हो जाती है। मिसेज स्पेलिंग कहती है, वेरी नाइस डियर वेरी नाइस, भाई जबरदस्त आज का शो तो आपने बहुत अच्छा किया। टेक्निशियन कहते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेलिंग, अच्छा ठीक है मिस्टर स्पेलिंग अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। स्पेलिंग कहते हैं, थैंक यू बॉयज, बहुत शुक्रिया लड़को। टेक्निशियंस गो, टेक्निशियन चले जाते हैं। स्पेलिंग अपनी बेटी से कहते हैं, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, एलन क्या तुम्हें मेरी ब्रॉडकास्ट पसंद आई। एलन कहती है, ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, जी क्यों नहीं डैडी मुझे बहुत पसंद आई। स्पेलिंग कहते हैं, देन व्हाट डिड आई से, अच्छा तो फिर बताओ जरा मैं क्या बात कर रहा था ब्रॉडकास्ट में। एलन, ओ दैट्स नॉट फेयर। एलन कहती है, भाई ये ना करें आप, ये अच्छी बात नहीं है। स्पेलिंग कहते हैं, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वन्स ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल, कितने अफसोस की बात है ना, लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं मगर मेरी अपनी ही बेटी मेरी बात नहीं सुनती। एलन कहती है, आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो डैड मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनती हूँ डैडी, आपको पता तो है। मिसेस स्पेलिंग कहती है, वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, अरे डियर हमें आपकी ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट देम, मुझे समझ नहीं आता आपकी ब्रॉडकास्ट के बगैर हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे। मिस्टर स्पेलिंग कहते हैं, स्टार भूखे मरोगे और क्या। एलन कहती है, आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये जॉन कहाँ रह गया है। स्पेलिंग कहते हैं, सर्टेनली नॉट वर्क, कहीं भी हो यकीनन किसी काम में मसरूफ नहीं होगा, यानी तंज मारते हैं। एलन कहती है, ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। ओफ डैडी बस कर दे, जॉन बहुत मेहनती लड़का है और ये बात आप भी जानते हैं। मिसेस स्पेलिंग कहती है, यस ही इज परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम, हाँ रॉजर वो वाकई एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। स्पेलिंग, आई नो ही हैज वेरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ही हैज नो गेट अप एंड गो, हाँ हाँ मुझे पता है भाई बहुत अच्छा लड़का है, इसके अंदर सारी खूबियां हैं लेकिन सिवाय सबसे अहम खूबी के जो कि इसके अंदर नहीं है, ही हैज नो गेट अप एंड गो, इसमें जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई लगन और कोई जज्बा नहीं है, यानी वो कामचोर है। एलन प्रिसाइसली, एलन फौरन से कहती है, ही डजंट वांट टू गेट अप एंड ही डजंट वांट टू गो, हाँ हाँ नहीं है इसमें आगे बढ़ने का कोई जज्बा और नहीं चाहता वो अपने हालात बदलना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेयर ही वॉन्ट्स टू बी ऑन हिज फार्म, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ अपने फार्म पर मौजूद है जहाँ इसे होना चाहिए था, विच इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड, और मैं भी शादी के बाद इसके साथ वहीं रहूंगी उसके फार्म पर। स्पेलिंग कहते हैं, मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, ये शेक्सपियर का कोट है जो कि शेक्सपियर के मशहूर जमाना प्ले किंग लियर में किंग ने अपनी बेटी से कहा था, मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, यानी नाशुक्री औलाद सांप के दांत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इन अदर वर्ड्स सांप के काटने या डसने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक नाशुक्री औलाद की बदतमीजी से होती है, लेकिन मिस्टर स्पेलिंग इस कोट को इस कोटेशन को कोट करते हुए मोर डेडली की जगह गलती से मोर थैंकलेस कह देते हैं, वो क्या कहते हैं, मोर थैंकलेस
necklace than a serpent's tooth is an ungrateful child. Ellen कहती है, I don't think that's right. Isn't it more deadly? मुझे नहीं लगता आप सही quotation बोल रहे हैं. Isn't it more deadly? More thankless की जगह क्या more deadly नहीं होगा? Spelling कहते हैं, whatever the exact quotation is, exact quotation जो भी हो, वो matter नहीं करता. I stand by the sentiment. मैं इससे जुड़े एहसास की बात कर रहा हूँ. Mrs. Spelling, please don't quarrel. It always gives me a headache. अरे भाई बंद कर देंगे लड़ाई, मेरा सर दुखने लगता है. Spelling कहते हैं, I never quarrel. मैं कोई लड़ाई नहीं करता. I merely reason in my simple way with Miss Know-it-all here. मैं बहुत सिंपल तरीके से और दलील से बात करता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझती है. Ellen, oh daddy, next you will tell me that I should marry for money. Oh for daddy, अब आप मुझे ये समझाने लगेंगे कि मुझे किसी दौलतमंद से शादी करनी चाहिए. Spelling कहते हैं, there is nothing wrong with marrying a wealthy man. हाँ तो क्या खराबी है किसी दौलतमंद शख्स से शादी करने में. The horror of it has always eluded me. मुझे समझ नहीं आता आखिर इसमें बुराई क्या है. However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious man who will make his mark in the world. हालांकि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे मेहनती और कामयाब इंसान से शादी करो जो दुनिया में कम से कम अपना लोहा तो बनवा सके. Not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts. बजाय किसी ऐसे शख्स के जो सारी जिंदगी खेतों में बैठा मंसूबे बनाता रहे और मूंगफलियां उगने का इंतजार करता रहे. Ellen कहती है, English walnuts, मूंगफलियां नहीं अखरोट उगाता है. Spelling, will you stop correcting me? क्या तुम मेरी गलतियां निकालना बंद करोगी? Ellen, but daddy John grows walnuts. लेकिन डैडी जॉन वाकई में अखरोट उगाता है, वो मूंगफलियां नहीं उगाता. जॉन एंटर्स ब्रेथली. इतने में जॉन फूली हुई सांसों के साथ अंदर दाखिल होता है. जॉन कहता है, कम आउट क्विक, इट इज कमिंग दिस वे. बाहर निकलो जल्दी करो, वो इसी तरफ आ रहा है. इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर. वो यहीं पर उतरने वाला है. Spelling, what's going to land? क्या लैंड करने वाला है? जॉन, द स्पेसशिप, लुक, खलाई जहाज, वो देखें. Spelling, apparently you didn't hear my broadcast. लगता है तुमने भी मेरी नशियात सुनी नहीं है. द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज अ मीटियर, नॉट अ स्पेसशिप. वो हवा में उड़ती चीज जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं कोई खलाई जहाज नहीं है, बल्कि एक टूटता हुआ तारा है. जॉन हैज गॉन आउट विद एलन. Spelling एंड मिसेस Spelling follows. लेकिन जॉन एलन के साथ बाहर निकल चुका है और मिस्टर और मिसेस Spelling भी इनके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं. मिसेस Spelling, ओ माय, लुक, समथिंग इज फॉलिंग. ओ खुदाया, वो देखो कोई चीज आसमान से नीचे गिर रही है. रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू? रॉजर, देखो कहीं हमारे घर से ना टकरा जाए. Spelling, द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर आई शुड से रफली 10 million to 1. अरे भाई, ऐसी चीजों के जमीन से टकराने के चांसेस 1 करोड़ में से शायद कोई 1% भी ना हो. जॉन, 10 million to 1 और नॉट इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर. अरे भाई, 1 करोड़ में से 1% चांस हो या नहीं हो, लेकिन ये यहीं पर ही लैंड करने वाला है. एंड इट्स नॉट फॉलिंग, और ये गिर नहीं रहा, ये यहाँ पर लैंडिंग कर रहा है. Spelling, आई एम श्योर इट्स अ मीटियर. भाई मुझे तो लग रहा है ये कोई टूटता हुआ तारा है और कुछ नहीं. मिसेस Spelling, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर? के हमें तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए. Spelling, इफ इट्स नॉट अ मीटियर, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मास हिस्टीरिया. अगर ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं है तो फिर ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर का धोखा है, मास हिस्टीरिया, जिसने तमाम लोगों को बेचैन कर दिया है. Ellen कहती है, डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज. डैडी, ये वाकई में कोई खलाई जहाज है, मुझे तो पूरा यकीन है ये खलाई जहाज ही है. Spelling कहते हैं, और मे बी अ वेदर बलून. ये शायद कोई वेदर बलून है. यस दैट्स व्हाट इट इज. हाँ, ये वेदर बलून ही है जिससे मौसम का पता लगाया जाता है. जनरल पावर्स सेड ओनली यस्टरडे. जनरल पावर ने कल ही तो बताया था इसके बारे में. जॉन कहता है, इट्स लैंडिंग, ये जमीन पर उतर रहा है. Spelling, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस. मैं तो जा रहा हूँ पुलिस को कॉल करने, आर्मी को कॉल करने जा रहा हूँ. बोल्स इनसाइड. मिस्टर Spelling घर में अंदर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं. Ellen, ओ लुक हाउ इट शाइंस. अरे देखो ये कितना चमक रहा है. जॉन, हियर इट कम्स. ये देखो, ये उतर गया जमीन पर. मिसेस Spelling कहती है, राइट इन माय रोज गार्डन. अरे ये तो मेरे रोज गार्डन में उतर गया भाई. Ellen, मे बी इट्स अ बलून. Ellen कहती है, हो सकता है ये वेदर बलून ही हो. जॉन, नो, इट्स अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड. अरे नहीं भाई, ये स्पेसशिप ही है जो तुम्हारे घर के आंगन में उतरा है. Ellen, व्हाट मेक्स इट सो शाइन, ये इतना चमक क्यों रहा है? जॉन, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. हाँ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पता करके आता हूँ. जॉन रन्स ऑफ टूवर्ड्स द लाइट. जॉन स्पेसशिप की लाइट की तरफ दौड़ते हुए जाता है. Ellen कहती है, ओ डार्लिंग डोंट. जॉन प्लीज, जॉन जॉन कम बैक. ओ डार्लिंग जॉन, मत जाओ ना. जॉन प्लीज, वापस आ जाओ. Spelling, why I returns. इतने में जहाज की जमीन पर लैंडिंग देखकर मिस्टर Spelling भी है
हैरत ज़दा आंखों के साथ कमरे से बाहर वापस आ जाते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है, रॉजर इट्स लैंडेड राइट हियर इन माय रोज गार्डन। रॉजर ये तो मेरे घर के गार्डन में लैंड कर गया है। स्पेल्डिंग, आई हैव गॉट जनरल पावर्स, मैंने जनरल पावर्स को इत्तला दे दी है, ही इज कमिंग ओवर, वो यही आ रहे हैं। ही सेड दे हैव बीन वॉचिंग दिस थिंग, उन्होंने कहा है कि वो लोग भी इस पर काफी देर से नजर रखे हुए थे। दे डोंट नो व्हाट इट इज, और इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि असल में ये चीज क्या है। एलन, यू मीन इट्स नथिंग ऑफ अर्थ, क्या मतलब, क्या ये कोई जमीनी चीज नहीं है। स्पेल्डिंग, दे बिलीव इट, स्वेलोज हार्ट, इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस। स्पेल्डिंग कहते हैं जनरल को भी यकीन नहीं आ रहा कि ये चीज वाकई आउटर स्पेस से आई है। एलन, ओ जॉन्स डाउन देयर डैडी, एलन कहती है और जॉन उसे देखने चला गया है। डैडी गेट अ गन और समथिंग, जल्दी से जाए, कोई गन वगैरह लाए, कहीं वो जॉन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। स्पेल्डिंग कहते हैं परहैप्स वी हैड बेटर लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट्स हियर, शायद हमें ये घर खाली कर देना चाहिए इससे पहले कि आर्मी वाले यहाँ आ जाए। एलन कहती है वी कैंट लीव जॉन, हम ऐसे जॉन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। स्पेल्डिंग कहते हैं आई कैन, तुम जाओ या नहीं जाओ लेकिन मैं जरूर जा सकता हूँ। पियर्स नियर साइटेडली, फिर मिस्टर स्पेल्डिंग मजीद गौर से उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए कहते हैं व्हाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, देखो वैसे ये किसी कार से ज्यादा बड़ा नहीं है। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मीटियोर, मुझे तो पक्का यकीन है ये कोई टूटा हुआ तारा ही है। एलन कहती है मीटियोर आर ब्लेजिंग हॉट, मीटियोर तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, उनमें से आग निकल रही होती है। स्पेल्डिंग कहता है दिस इज अ कोल्ड वन, अरे ये ठंडा वाला होगा। एलन इट्स ओपनिंग, अरे ये तो ओपन हो रहा है, द होल साइड्स ओपनिंग, कि चारों तरफ से ओपन हो रहा है। शाउट्स जॉन कम बैक क्विक, जॉन जल्दी से वापस आ जाओ जल्दी जॉन। मिसेस स्पेल्डिंग व्हाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, अरे देखो इसमें से तो एक आदमी भी बाहर आ रहा है। साइड्स आई फील मच बेटर ऑलरेडी, शुक्र है मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर इफ यू आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, मुझे यकीन है देखो अगर हम इससे कहेंगे ना तो वो चीज हमारे गार्डन से हटा लेगा। रॉजर यू आस्क हिम, रॉजर तुम इसे बोलो ना। स्पेल्डिंग ओमिनियसली कम भी करते हुए If it's really a man, बोलूं तो जब ना, जब ही यकीन हो जाए कि ये वाकई कोई इंसान है। एलन कहती है, John's shaking hands with him, John को देखें वो तो इससे हाथ मिला रहा है। Calls, John, darling, come on, come up here. John को आवाज़ देती है, John, darling, वापस आ जाओ, यहाँ आ जाओ। Mrs. Spelling कहती है, and bring your friend, और अपने दोस्त को भी यहाँ ले आओ। Spelling कहते हैं, there is something wrong with the way that creatures look. कुछ तो गड़बड़ है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है। If it is a man and not a monster, पता नहीं इंसान है भी या कोई बला वाला है। Mrs. Spelling, He looks perfectly nice to me. Mrs. Spelling कहती है, मुझे तो ये अच्छा वाला आदमी लग रहा है। John and the visitor appear. John और वो सैया अंदर आ जाते हैं। The visitor in his 40s, a mild, pleasant-looking man with side whiskers and dressed in the fashion of 1860. वो 40 साल का एक नर्म मिजाज अच्छा वाला आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी कलमे हैं और उसने पुराने जमाने यानी 1860 के फैशन का लिबास पहन रखा है। He pauses when he sees the three people in silence for a moment. वो इन तीनों को सामने देख कर एक लम्हे के लिए रुक जाता है और उन्हें खामोशी से देखने लगता है। They stare back at him equally interested. वो लोग भी टिकटिकी बांधे उसे उतनी ही दिलचस्पी से देख रहे होते हैं। Visitor, I seem to have made a mistake. मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। I'm sorry, I had better go back and start over again. मैं माजरा चाहता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ और दोबारा अपना सफर शुरू करता हूँ। स्पेल्डिंग कहते हैं माई डियर सर यू हैव ओनली जस्ट अराइव, अरे नहीं जनाब आप अभी अभी तो आए हैं। कम इन आइए आइए अंदर तशरीफ ले आए। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजर दिस इज, मैं आपको बता नहीं सकता हमें आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। मिस्टर क्या नाम है आपका, विजिटर कहता है क्रीटॉन, मेरा नाम क्रीटॉन है। दिस इज द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज इट, मैंने शायद ये गलत कपड़े पहने हुए ना। स्पेल्डिंग रॉन्ग फॉर व्हाट, नहीं नहीं गलत किस लिए। क्रीटॉन फॉर द कंट्री एंड द टाइम, शायद ये कपड़े इस मुल्क और इस दौर के हिसाब से नहीं है। स्पेल्डिंग वेल इट्स अ ट्राइफल ओल्ड फैशन, हाँ ये बहुत पुराने जमाने का फैशन है। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है बट रियली ऑफुली हैंडसम, लेकिन सच में आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्रीटॉन कहता है थैंक यू। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है टू हस्बैंड अपने शोहर से आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माय रोज बेड, इससे कहे ना इस ऑब्जेक्ट को मेरे रोज गार्डन से तो हटा ले। वुमेन Spelling leads them all into the living room. उन सबको लेकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। फिर उस अजनबी से कहते हैं Come on in and sit down. You must be tired after your trip. आ जाए अंदर आ जाए और बैठिए, यहाँ बैठ जाए, आप लास्ट सफर के बाद थक चुके होंगे। क्रीटॉन Yes, I am a little. हाँ मैं कुछ थक सा गया हूँ। Looks around delightedly. वो खुशी से इर्द गिर्द देखते हुए कहता है Oh, it's better than I had hoped. अरे ये जगह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी है। Spelling बेटर बेहतर है। What's better? क्या बेहतर है यहाँ? क्रीटॉन द हाउस
ये घर बहुत अच्छा है, that's what you call it, आप लोग इसे घर ही कहते हैं ना, और this is an apartment, और क्या ये कोई apartment है, spelling, this is a house in the state of Maryland, USA, जी जी ये घर ही है, और ये अमेरिका की स्टेट मैरीलैंड में है, क्रिस्टोन कहता है, in the late 20th century, इसका मतलब है मैं 20th century के एंड पर पहुंचा हूं, to think this is really the 20th century, ये क्या हो गया, ये तो 20th century है, I must sit down a moment and collect myself the real thing, मेरा ख्याल है मुझे एक लम्हे के लिए बैठ जाना चाहिए और अपने हवासों को कुछ बहाल करना चाहिए। He sits down. Crichton बैठ जाता है। Ellen Crichton से कहती है, You are not an American, are you? तो क्या आप अमेरिकन नहीं है? Crichton, what a nice thought. No, I'm not. कितना अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं अमेरिकन नहीं हूँ। John, you sound more English. John कहता है, आप मुझे इंग्लिश लग रहे हैं, यानी इंग्लैंड के लग रहे हैं। Crichton, do I? क्या वाकई? Is my accent very bad? मेरा accent इतना बुरा है कि मैं आपको इंग्लैंड का लग रहा हूँ? John, no, it's quite good. नहीं, आपका accent तो बहुत अच्छा है। Spelling, where are you from, Mr. Crichton? Spelling कहते हैं, ये तो बताइए Mr. Crichton, आप आए कहाँ से? Crichton evasively, Crichton बात को टालते हुए कहता है, another place, बस आया हूँ कहीं से। Spelling, on this earth of course, मतलब इसी जमीन से आए ना? Crichton, no, not on this planet. जी नहीं, मैं इस प्लैनेट से नहीं आया। एलन कहती है, आर यू फ्रॉम मार्स? तो फिर क्या आप मार्स से आए हैं? Crichton, ओह डियर नो, नॉट फ्रॉम मार्स, देयर इज नोबडी ऑन मार्स। अरे नहीं डियर, मार्स से नहीं आया, मार्स पे तो कोई रहता ही नहीं है, एटलीस्ट नो वन आई नो, जहां तक मेरी नॉलेज है तो मार्स पे तो कोई नहीं रहता। एलन कहती है, आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। मुझे पता है आप हमें तंग कर रहे हैं और ये सब कोई पब्लिसिटी स्टंट है, यानी वायरल होने के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हैं, ये प्रैंक वगैरह चल रहा है कुछ। Crichton, नो आई रियली एम फ्रॉम अनदर प्लेस, नहीं मैं वाकई दूसरे सैयारे से आया। Spelling, I don't suppose you would consent to my interviewing you on television. मेरा नहीं ख्याल तो फिर आप मुझे टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए राजी होंगे। Crichton कहता है, I don't think your authorities will like that. मुझे नहीं लगता कि आपके मुल्क की अथॉरिटीज को ये इंटरव्यू देना पसंद आएगा। They are terribly upset as it is. वो लोग तो पहले ही बहुत परेशान है। Spelling, how do you know? आपको कैसे पता कि वो लोग परेशान है? Crichton, well, I pick up things. दरअसल मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। For instance, मसलन I know that in a few minutes a number of people from your army will be here to question me. मसलन मुझे ये भी बताया कि कुछ ही देर में आपकी फौज के बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ interrogation करने के लिए आने वाले हैं, and they like you are torn by doubts, और आपकी तरह वो लोग भी मेरे बारे में बहुत शकों को शुभात रखते हैं। Spelling, how extraordinary! वाह कितनी अजीब बात है, आप तो सब जानते हैं। Ellen, why did you come here? आप यहाँ आए क्यों हैं? Crichton, simply a visit to your small planet. मैं तो बस आपके छोटे से तैयारी की सैर करने के लिए आया हूँ। I have been studying it for years. मैं कई सालों से जमीन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। In fact, one might say you people are my hobby. और ये भी कह सकते हैं कि आप लोग मेरी हॉबी हैं। यानी आपके बारे में जानना मेरा शौक है। Especially this period of your development, खासतौर पर ये जो आपका दौर है, ये तरक्की का दौर मुझे बहुत पसंद है। John कहता है, Are you the first person from your planet to travel in the space like this? क्या आप अपने सैयारे के लोगों में से पहले शख्स हैं जो इस तरह स्पेस ट्रेवल करके जमीन पर आया है, या आपके सैयारे पर और लोग भी स्पेस ट्रेवल कर चुके हैं? Crichton, oh my no, अरे नहीं, everyone travels who wants to. हमारे सैयारे में जिसका जब जहां दिल चाहता है वो स्पेस ट्रेवल कर लेता है। It's just that no one wants to visit you. लेकिन अजीब सी बात ये है कि कोई भी आपके सैयारे पे आना पसंद नहीं करता। I can think why. अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो आपके यहाँ आना क्यों नहीं पसंद करते, but I always have. लेकिन मैं हमेशा जमीन की सैर करना पसंद करता हूँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। You would be surprised what a thorough study I have made. और आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैंने आपके सैयारे के बारे में कितनी तफसील से पढ़ा है। Besides, वो बताने लगता है, The planet Earth is divided into 5 continents with a number of large islands. It is mostly water. There is one moon. Civilization is only just beginning. आपके planet Earth में 5 बर्रे आजम हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े जजीरे हैं। इस planet का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इसमें एक चांद है। और सिविलाइजेशन इज ओनली जस्ट बिगनिंग। और आप लोगों की तरक्की के दौर का बस अभी आगाज हुआ है। स्पेलिंग, जस्ट बिगनिंग, तरक्की का भी आगाज हुआ है। माय डियर सर, वी हैव हैड, जनाबे मोहतरम, हम बहुत पहले तरक्की कर चुके हैं। Crichton ब्लैंडली मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, अभी तो आप लोगों की तरक्की शुरू हुई है। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मैं जानता हूँ सबसे फैसिनेटिंग दौर तो अभी
आई डू होप आई डोंट साउंड पैटर्नाइजिंग, मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आपको कोई गुरूर वगैरह तो नहीं लग रहा होगा, मैं कोई तकबर नहीं कर रहा। एलन कहती है वेल वी आर वेरी प्राउड, खैर हमें अपनी तरक्की पर बहुत फख्र है। क्रीटॉन, आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट इंडिवरिंग प्रिमेटिव ट्रेड्स, हाँ मैं जानता हूँ गुरूर करना जमीन वालों की बहुत पुरानी आदत है। ओ आई कैंट बिलीव आई एम हेयर एट लास्ट, लेकिन खैर मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं वाकई जमीन पर आ गया हूँ। जनरल पावर्स आर विगोरियस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड एंड इट्स एज एंटर, जनरल पावर्स जो कि नेशनल गार्ड के एक ताकतवर फौजी हैं वो अंदर आते हैं और उनके साथ उनका असिस्टेंट एड भी अंदर आता है। पावर्स, ऑलराइट फॉक्स दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, चलिए हजरत इस जगह को चारों तरफ से फौज ने घेरे में ले लिया है, वेयर इज द मॉन्स्टर, कहां है वो बला? क्रीटॉन कहता है माय डियर जनरल आई एम द मॉन्स्टर, मैं हूं जनरल साहब मैं हूं वो बला। पावर्स कहते हैं व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, अ फैंसी ड्रेस पार्टी, ये तुमने इतना चमकीला लिबास क्यों पहना हुआ भाई, पार्टी में जा रहे हो क्या? क्रीटॉन कहता है आई हैड होप टू बी इन कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, मैंने तो जिस दौर में जाना था उसी हिसाब से कपड़े पहने थे। एज यू सी आई एम अबाउट 100 इयर्स टू लेट, लेकिन आपको तो पता है मैं यहां 100 साल लेट पहुंचा हूं। लेकिन पावर्स को क्रीटॉन की बात पर यकीन नहीं आता। पावर्स स्पेलिंग से कहते हैं रॉजर हु इज दिस जोकर, रॉजर ये जोकर कौन है, क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है। स्पेलिंग, दिस इज मिस्टर क्रीटॉन जनरल पावर्स, ये मिस्टर क्रीटॉन है जनरल पावर, मिस्टर क्रीटॉन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड, ही इज फ्रॉम अनदर प्लेनेट, और वो जो हमारे सहन में बाहर चीज खड़ी है ना मिस्टर क्रीटॉन, इसी में बैठकर यहां आए, ही इज फ्रॉम अनदर प्लेनेट, ये किसी और सैयारे के हैं। पावर्स कहते हैं आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या बात हुई। एलन कहती है इट्स ट्रू, ये सच है, वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, हमने खुद इनको सुरंग तश्तरी से उतरते हुए देखा था। पावर्स टू एट, पावर्स एट से कहते हैं कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप, कैप्टन बाहर जाओ और जाके वो जो जहाज खड़ा है उसे चेक करो, बी केयरफुल लेकिन मोहतात रहना, डोंट टच एनीथिंग, किसी भी चीज को छूना मत, एंड डोंट लेट एनीबॉडी एल्स नियर इट, और किसी को भी इसके करीब मत जाने देना। एट गोस, एट स्पेसशिप का मुआयना करने के लिए बाहर चला जाता है। सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, पावर्स क्रीटॉन से कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम किसी दूसरे सैयारे से आए हो। क्रीटॉन, यस माय दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल, द वन यू यूज्ड टू वेयर यू नो विद द फीदर्स ऑन टॉप। जी जनाबे वाला मैं किसी और प्लेनेट से आया हूँ लेकिन आपका ये यूनिफॉर्म बड़ा शानदार है, और लेकिन वो जो आपका मेटल वाला यूनिफॉर्म होता था ना जिसके ऊपर पर लगे हुए होते थे वो क्या शानदार यूनिफॉर्म लगता था। पावर्स, दैट वॉज 500 ईयर्स अगो, ओ भाई 5 साल पहले की बात है। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, क्या वाकई तुम्हारा ताल्लुक जमीन से नहीं है? क्रीटॉन, यस जी बिल्कुल। पावर्स, वेल आई एम नॉट, खैर मुझे यकीन नहीं आ रहा, यू हैव गॉट सम प्रीटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू, तुम्हें सब कुछ खुल के बताना पड़ेगा। क्रीटॉन, एनीथिंग टू ऑब्लाइज, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो पूछना है पूछ लें। ऑलराइट Which planet? ठीक है तो फिर बताओ किस सैयारे से आए हो। क्रीटॉन, none that you have ever heard of, मैं उस सैयारे से आया हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। Roberts, where is it? कहाँ है वो सैयारा? You wouldn't know, आप नहीं जानते हो वो सैयारा कहाँ है। Roberts, this solar system, इसी solar system में? क्रीटॉन, no. Roberts, another system, तो क्या किसी और सिस्टम में? Yes, जी बिल्कुल। Power, look Buster, देखो यार I don't want to play games, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, I just want to know where you are from, मुझे बस इतना बता दो कि तुम कहाँ। The law requires it. Illegal requirement है. Triton. It's possible that I could explain it to a mathematician. भाई देखें मैं किसी mathematician को तो समझा सकता हूँ. But I am afraid I couldn't explain it to you. लेकिन बहुत माजरत चाहता हूँ मैं आपको नहीं समझा सकता. Not for another 500 years. बल्कि शायद मैं अगले 500 साल तक भी आपको समझाता रहूँ तो नहीं समझा सकूँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ. And by then of course you will be dead because you people do die, don't you? खैर अगले 500 साल तक तो आप लोग मर भी चुके होंगे क्योंकि आप लोग को तो मौत आ जाती है. Powers what? Triton. Poor fragile butterflies. Such brief little moments in the sun. आप बेचारे जमीनी लोगों की लाइफ भी नाजुक तितलियों की तरह होती है जो सूरज के नीचे बहुत कम अरसे जिंदा रहती है और मर जाती है। You see, we don't die. लेकिन आपको पता है हम लोग मरते नहीं है, हमारे प्लेनेट पे लोगों को मौत नहीं आती है। Powers, you will die alright if it turns out you are a spy or a hostile alien. बच्चू अगर ये साबित हो गए ना कि तुम कोई जासूस या खतरनाक दुश्मन हो, हमारे सैयारे पे किसी को मौत आती हो कि नहीं आती हो, तू जरूर मर जाएगा। Triton, I am sure you wouldn't be so cruel. मुझे यकीन है आप लोग इतने जालिम तो नहीं है। जो कुछ भी तुमने देखा है बताओ क्या है, क्या दिख कर आयो। एट कहता वेल इट्स एलिप्टिकल विद 14 फुट डायमीटर, अच्छा वो कोई गोल और चपटी सी चीज है, इसका 14 फुट डायमीटर है, एंड इट्स मेड ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइंस एंड इन There isn't anything. और वो किसी अनजान चमकती हुई धात या मेटल की बनी हुई चीज है जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। Isn't anything? क्या मतलब?
अंदर कुछ भी नहीं है. 8, there is nothing inside the ship. जी अंदर कुछ भी नहीं है, जहाज खाली है बिल्कुल. No instrument, no food, nothing. ना तो कुछ खुराक है, ना कोई instrument है, कोई tool कुछ भी नहीं है. Powers to Krypton. What do you do with your instrument board? तुमने अपना instrument board कहाँ छुपाया भाई? Krypton. With my what? Oh, I don't have one. किसको छुपाया कहाँ? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बोर्ड. मेरे जहाज में कोई इंस्ट्रूमेंट बोर्ड नहीं है. पावर्स, हाउ डज द थिंग ट्रैवल? तो फिर कैसे उड़ा बेटा तुम्हारा जहाज? क्रीटोन, आई डोंट नो. मुझे क्या मालूम? यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम? नाउ लुक मिस्टर, यू आर इन द प्रीटी सीरियस ट्रबल. मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो. आई सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ कोऑपरेटिंग. मेरा तुम्हें मशवरा है कि ताबून करो और सब कुछ सच सच बता दो. यू क्लेम यू ट्रैवल हियर फ्रॉम आउटर स्पेस इन अ मशीन विद नो इंस्ट्रूमेंट. एक तरफ तो तुम ये दावा कर रहे हो कि यहाँ पर खला से आए हो जबकि तुम्हारी मशीन में कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है. क्रीटोन, वेल These cars are rather common in my world. भाई इस तरह की कारें तो मेरे प्लैनेट में बहुत कॉमन है. And I suppose once upon a time I must have known the theory on which they operate, but I have long since forgotten. और शायद किसी जमाने में मुझे इन कारों को चलाने का तरीका आता था, लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं आता चलाना. After all, general, we are not mechanics, you and I. और आखिर को general साहब, मैं और आप कोई mechanic थोड़ी है जो हमें ये सब पता हो कि ये कैसे चलती है. Powers Spelling से कहता है. Roger, do you mind if I use your study? Roger, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इससे तुम्हारे स्टडी रूम में बैठकर बात कर लूं? स्पेलिंग, नॉट एट ऑल जनरल. बिल्कुल भी नहीं जनरल. क्यों नहीं, बिल्कुल जाइए. पावर्स 8 से कहता है, मिस्टर क्रीटोन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट. 8, मिस्टर क्रीटोन और मैं अंदर बात करने के लिए जा रहे हैं. पुट इन अ कॉल टू द चीफ ऑफ स्टाफ. तुम जब तक चीफ साहब को कॉल मिला दो. 8, यस जनरल. स्पेलिंग राइजेस लीड्स क्रीटोन एंड पावर्स इनटू नेक्स्ट रूम. स्पेलिंग क्रीटोन और पावर को स्टडी रूम की तरफ ले जाते हैं. स्पेलिंग, दिस वे जेंटलमैन. आ जाए इस तरफ आ जाए, ये है रास्ता. एट द डोर स्पेलिंग स्पीक्स इन अ लो वॉइस टू पावर. दरवाजे पे स्पेलिंग जनरल पावर से सरगोशी करते हुए कहता है, आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट. मुझे उम्मीद है टॉम कि सबसे पहले मैं ही इस खबर को टीवी पर ब्रेक करूंगा. पावर्स कहता है, देयर इजंट एनी स्टोरी, कंप्लीट सेंसरशिप. नहीं, कोई खबर नहीं चलेगी, कंप्लीट सेंसरशिप है. आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज अंडर मार्शल लॉ. मैं माजरा चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर मार्शल लॉ लग गया है. आई हैव हॉन्च, वी आर इन अ ट्रबल. और मुझे लग रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं. ही शट्स द डोर. स्पेलिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस द फैमिली. वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और मिस्टर स्पेलिंग बेचारे वापस अपनी फैमिली के साथ आकर बैठ जाते हैं. एलन कहती है, आई थिंक ही इज वंडरफुल हूएवर ही इज. वैसे ये शख्स जो कोई भी है लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. मिसेज स्पेलिंग कहती है, आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माय रोज गार्डन. मुझे तो ये फिक्र सताई जा रही है कि इसने मेरे रोज गार्डन का इतना नुकसान कर दिया है. जॉन कहता है, इट्स हार्ड टू बिलीव ही इज रियली फ्रॉम आउटर स्पेस. वैसे इस बात पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये शख्स वाकई खला से आया है. नो इंस्ट्रूमेंट, नो नथिंग बॉय. कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज ही नहीं है इसके जहाज में. दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली. ये लोग लगता है साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एडवांस है हम जमीन वाले लोगों से. मिसेज स्पेलिंग अपने शोहर से कहती है, इज ही स्पेंडिंग द नाइट देयर. अजी सुनिए, क्या वो रात यहीं गुजारेगा? स्पेलिंग, व्हाट? Mrs. Spelding, is he spending the night? क्या वो आज रात हमारे घर ही रुकेगा? Spelling, oh yes yes, I suppose he will be. हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, मेरा ख्याल है यहीं रुकेगा. Mrs. Spelling, then I had better go make up the bedroom. अच्छा तो फिर मैं बेडरूम सेट कर देती हूँ. He seems perfectly nice to me. भाई मुझे तो वो अच्छा वाला आदमी ही लग रहा है. I like his whiskers. They are so comforting, like grandfather's Spelling. इसकी कलमे भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल एलन के नाना की तरह हैं. She goes, वो चली जाती हैं. Spelling bitterly. Spelling, जिनको मना कर दिया गया है कि वो खबर ब्रेक नहीं कर सकते, जरा चिढ़ते हुए लहजे में कहते हैं, I know this story will leak out before I can interview him. I just know it. मुझे पता है मेरे इंटरव्यू करने से पहले पहले ही ये कहानी लीक आउट हो जाएगी. मतलब बेचारे स्पेलिंग जो है उनको ये खबर सबसे पहले ब्रेक करने का मौका नहीं मिलेगा तो उनकी रेटिंग जो है वो डाउन हो जाएगी. एलन, व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ? ये मार्शल लॉ का क्या मतलब है? स्पेलिंग, इट मींस वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल अस टू डू. इसका मतलब है जो जो जनरल पावर्स कहेगा हमें वही करना पड़ेगा. ही गोज टू द विंडोज एज अ सोल्जर पासिस बाय. और उसके बाद मिस्टर स्पेलिंग खिड़की की तरफ जाकर इशारा करते हैं जहां से एक फौजी गुजर रहा होता है. सी, वो देखो हम फौज के कंट्रोल में है. जॉन कहता है, आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड द चांस. काश मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं इस शिप को और करीब से देखता. एलन कहती है, परहैप्स ही विल गिवन अस अ राइड इन इट. शायद वो हमें अपने जहाज में घुमाने भी लेकर जाए. जॉन कहता है, ट्रैवलिंग इन स्पेस. हाँ, स्पेस में ट्रैवलिंग जस्ट लाइक दोज स्टोरीज, जैसा बिल्कुल कहानियों वगैरह में होता है ना, यू नो इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ. तुम्हें पता है गैलेक्सीज के दरमियान सफर होता है, कितना मजा आता है. स्पेलिंग कहता है, इफ ही इज नॉट एन इम्पोस्टर. हाँ, सैर तो करवा देगा लेकिन जब करवाएगा, जब ये पता चले कि कोई बहरूपिया नहीं है, मतलब कोई फेक बंदा नहीं है. एलन, आई हैव अ फीलिंग ही इज. नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा सही है, ये कोई फेक
कोई प्रैंक नहीं है। जॉन कहता है, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट। अरे हाँ, मैं अपने घर वालों को टेलीफोन कर देता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। ही क्रॉसेस टू द टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इन टू द हॉल। जॉन टेलीफोन की तरफ जाने लगता है। 8, आई एम सॉरी सर बट यू कैंट यूज द फोन। मैं माजरा चाहता हूँ सर, लेकिन आप फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेलिंग, ही सर्टेनली कैन, दिस इज माई हाउस। बिल्कुल कर सकता है फोन इस्तेमाल, ये मेरा घर है। 8, मैकेनिकली, 8 फौजियों की तरह सपाट लहजे में कहता है, दिस हाउस इज अ मिलिट्री रिजर्वेशन अंटिल द क्राइसिस इज ओवर। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता, इस घर के ऊपर फौज का कंट्रोल है। ऑर्डर जनरल पावर्स, आई एम सॉरी, और मैं माजरा चाहता हूँ, ये जनरल पावर्स का ऑर्डर है। जॉन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम। तो फिर मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं अभी कहां हूं। 8, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू। ये तो आपको जनरल पावर्स ही बता सकते हैं। यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, और इनकी इजाजत के बगैर आप लोग इस घर से बाहर भी नहीं जा सकते। स्पेलिंग, यू कैन डू दिस, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। 8, आई एम अफ्रेड सर बट वी हैव डन इट। माजरा चाहता हूं सर, लेकिन हम लोग ऐसा कर चुके हैं। एलन, इजंट इट एक्साइटिंग, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों इतना तंग कर रहे हैं आप लोग हमें। इसके साथ ही सीन 1 खत्म हो जाता है। सीन 2 और सीन 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।